यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं पंचकुला, जहां पर अपना घर मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और सजा का ऐलान होना है। आज हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार रमेश सीधा पंचकुला की सीबीआई कोर्ट से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे और जानेंगे क्या कुछ वहां फिलहाल चल रहा है। अपना घर मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है, आपको बता दें कि आज सुबह से ही अटकलें थी कब होगी शुरू, और लंच के तुरंत बाद जो है वो कार्रवाई शुरू हो गई है। जस्टिस जगदीप सिंह इस पर सजा का ऐलान करेंगे। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पंचकुला की सीबीआई कोर्ट से हमारे संवाददाता कुमार रमेश। कुमार, कब तक अब फैसला आएगा, कितना इंतजार और? देखिए, बस कुछ ही देर का इंतजार है, उसके बाद फैसला आ जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि सुनवाई शुरू हो चुकी है और वाकई जज साहब जो है ने सुनवाई शुरू कर दी। लंच के बाद ये मामला लगा था और अभी सुनवाई शुरू हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में जो है सजा का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि पहले से उनको दोषी करार दे दिया जा चुका है और केवल अब सजा सुनानी ही मात्र रह गई है, क्योंकि इसमें 9 लोग को कोर्ट ने पहले दोषी करार दे दिया है और एक को बरी कर दिया गया था। बिल्कुल कुमार, काफी समय से इस फैसले का इंतजार था और आप कोर्ट परिसर में मौजूद हैं, वहां खड़े हैं आप, तो कोर्ट परिसर में फिलहाल कैसा माहौल है? देखिए, कोर्ट परिसर में जाहिर तौर पर जो उनके जो नज़दीकी लोग हैं, एक्का दुक्का लोग इधर उधर खड़े हैं और ये माना जा रहा है कि अभी जैसे ही सज़ा का ऐलान होगा और जो भी उनको जितनी भी कठोर कारावास जो दिया जाएगा उसके अनुसार जो है उनके परिवार का हो सकता है कोई रिएक्शन भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो इंसाफ की गुहार लगा रही थी जो महिलाएँ, उनको कहीं ना कहीं न्याय मिला है और सरकार की जो कोशिश थी जिनको सीबीआई को मामला सौंपने की उसमें भी यह रंग लाया, तो ये माना जा रहा है कि जो है बड़ी जीत होगी और कहीं ना कहीं अभी थोड़ी देर में फैसला बिल्कुल आने वाला है और इसमें स्पष्ट हो जाएगा कितने साल की सजा सुनाई गई है। जी बिल्कुल कुमार, ये वही जज हैं जस्टिस जगदीप सिंह जिन्होंने राम रहीम को सजा सुनाई थी, तो ऐसे में क्या जसवंती कौर और अन्य आरोपियों को भी यहां अधिकतम सजा का अनुमान लगाया जाए? देखिए, बिल्कुल ये माना जा रहा है, क्योंकि देखिए दो चीज़ें इसमें बड़ी देखने की है कि एक तो जो अनाथ बच्चे थे जिनका पालन पोषण सरकार की ओर से किया जा रहा था, उन बच्चों को, उन मूकबधिर बच्चों को कहीं ना कहीं बेचने की कोशिश की गई थी, मानव तस्करी है एक हिसाब से। दूसरा कहीं ना कहीं एक दूसरी बात है कि रेप जो करवाया गया, उनको बाजार में बेचा गया, वेश्यावृत्ति का धंधा उनसे कराया गया, दो प्रमुख मामले हैं और इन दोनों प्रमुख मामलों में कड़ी से कड़ी सजा की जो है मांग सीबीआई के जो वकील हैं वो कर रहे हैं। और साथ ही क्योंकि जज साहब पहले से ही माने जाते हैं कि कठोर कारावास देते हैं और क्योंकि इस प्रकार के जो अपराध हैं वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं कि अगर आपने ऐसा अपराध किया तो आप मान के चले कि आपको कड़ी सजा हो सकती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं एक सबक के रूप में जो सजा होगी वो सुनाई जाएगी और ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटनाएं ना करें, ऐसा माना जा रहा है। जी बिल्कुल, एक सबक यहाँ जरूर मिलना चाहिए। कुमार रमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, आप फैसले पर नजर बनाए रखिए, आपसे हम फिर जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।